करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको जो है डेली करंट अफेयर प्राप्त होते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय धरती पर दो ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए दिया है मुकुंद शशि कुमार, बी यूकी भामरी और सी रोहन बोपन्ना, डी सुमित नांगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी वाला हो जाएगा, सुमित नांगल। इन्होंने जो यूरोपीय धरती पर दो ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर दो, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा स्थापित करेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सी हो जाएगा, केरल। केरल में जो है नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित होगा, जो भारत का पहला होगा। नीति आयोग की सहायता से ये स्थापित होगा और मछली पालन की जो मछली पालन को क्या कहा जाता है, तो मछली पालन को जो है पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। और हमारा नीली क्रांति भी इसी से संबंधित है, जो नीली क्रांति हुई थी, तो नीली क्रांति जो मछली से संबंधित है, मछली पालन से नीली क्रांति, ये मछली से संबंधित है। मछली पालन नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर तीन, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है नीतीश कुमार, बी शिवराज सिंह चौहान, सी नवीन पटनायक, डी ममता बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला, नवीन पटनायक जो हैं ये उड़ीसा के सीएम हैं, जो 2000 से अभी 2023 चल रहा है अभी तक जो है वहाँ के सीएम हैं, और लगातार ही पांचवी बार वहाँ पर सीएम बने हैं, पांचवी बार। और ये भारत के जो है दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं, जो कि नवीन पटनायक हैं, ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम ये रहे हैं। और पहले नंबर पर यदि कहें तो पूछें तो कौन है पहले नंबर पर, पहले नंबर पे हमारे जो हैं सिक्किम के सीएम जो हैं पवन कुमार, वो 24 साल 166 दिन जो है रह चुके हैं, जो कि सबसे अधिक समय तक वो रहे हैं। और दूसरे स्थान पर हमारे ये नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार, NCERB डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, महाराष्ट्र। यह किसके द्वारा जो जारी किया गया, तो NCERB डेटा के अनुसार जो है 2021 के अनुसार क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जो हमारा मामला निकल के आया है कि महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक महिलाएँ जो हैं लापता हैं। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम जो है एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर पाँच, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रास्ट क्रेटर बाइटा
बटा गायका कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ये दिया है आइसलैंड, बी कनाडा, सी नॉर्वे, डी रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा, रूस। रूस में जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमा फ्रास्ट क्रेटर बाटा गायिका स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? तो किसे मिला? ऑप्शन हमारा ये दिया है जेसिका एंडरसन, बी शंकरी चंद्रन, सी सिया एस्टली और डी सलमान रुश्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा, शंकरी चंद्रन। इन्हें जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ये इन्हें किसके लिए मिला है? तो इन्हें जो है चाय टाइम ऑफ सीन मैन इसके लिए जो है सीनमैन गार्डन इस साहित्य के लिए जो है इन्हें दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो साहित्य क्षेत्र है जो कि साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, शंकरी चंद्रन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर केंद्र भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये दिया है कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, नई दिल्ली, जो कि प्रगति मैदान में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। IECC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो है इसका नया परिसर भारत मंडपम है, जो नई दिल्ली प्रगति मैदान में उद्घाटन किया गया जिसका। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है माली, बी नाइजर, सी केन्या, डी सोमालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, नाइजर। यहाँ पर जो है अफ्रीकी देश की सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया है, जो कि राष्ट्रपति को वहाँ से अब उनके पद से हटा दिया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैग्रोव संरक्षण अंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 27 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, 26 जुलाई। 26 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो शुरुआत जो है शुरुआत 2015 से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है जुपिटर 3, बी सतरिया फर्स्ट, सी एक्सियोम 2, डी V2 मिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, जुपिटर 3 जो है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है, जो कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिन से लॉन्च हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। तो हमारा आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की करंट अफेयर की डेली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी और GK से भी संबंधित आपको इस पर वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।